अब तक हम अब किरण के कैलकुलेशन के लिए जिन मेथड्स को यूज़ कर रहे थे कहीं ना कहीं वो सारे मेथड्स एक दूसरे पर डिपेंड थे और लगभग कैलकुलेशंस जो थी उनकी 70-80% एक जैसी थी। लास्ट में कोई कैलकुलेशन या टेबल में कोई एक दो स्टेप नया जोड़ रहा था। लेकिन अब इसका जो थर्ड मेथड है जब उसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो वो इस पूरी प्रक्रिया से थोड़ा सा अलग हटके होगा। यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर लॉरेंज वक्र की। जैसे कि नाम से स्पष्ट है कि लॉरेंज वक्र जो है यहाँ पर हम अपकिरण की जो कैलकुलेशन है उसका बिंदु रेखीय प्रदर्शन के आधार पर हम उसको यहाँ पर दर्शाएंगे, क्योंकि वक्र के बारे में हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो क्या है लॉरेंज वक्र, आइए देखते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लॉरेंज वक्र जो है वो विचलन ज्ञात करने की एक बिंदु रेखीय विधि है, क्योंकि वक्र उसका नाम यहाँ पर दिया गया है। इसके बारे में हम देखते हैं कि डॉक्टर मैक्सो लॉरेंज ने इसका प्रतिपादन किया था, और क्या है इसके निर्माण की प्रक्रिया, किस तरह से हम लॉरेंज वक्र का निर्माण करते हैं। आइए पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण के द्वारा अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर लॉरेंज वक्र की गणना के लिए हमें जो प्रश्न दिया गया है उसके अंतर्गत लाभ दिए गए हैं और दो तरह के क्षेत्र यानी क्षेत्र आ और ब के संबंध में जानकारी दी गई है। जब हम कॉलम का निर्माण करेंगे तो सबसे पहले कॉलम में हम लाभ को अंकित करेंगे, यानी कि ये जो लाभ हजारों में हमें यहाँ पर दिए गए हैं उसे हम अंकित करेंगे, जो कि हो जाएगा 625, 60, 84, 105, 150, 170 और 400। उसके बाद क्योंकि हमको यहाँ पर हमने देखा कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी यानी संचयी आवृत्ति की हमको जरूरत पड़ती है, तो संचयी आवृत्ति हम यहाँ पर कैलकुलेट करते जाएंगे लाभ के आधार पर। 6 फर्स्ट संचयी आवृत्ति 6 होगी, फिर 6 + 25 = 31, 31 + 60 = 91, 91 + 84 = 175, 175 + 105 = 280, 280 + 150 = 430, 430 + 170 = 600 and 600 + 4 = 1000। अब क्योंकि हमको प्रतिशतों की कैलकुलेशन भी यहां पर करनी है, अब क्योंकि हमने देखा था कि जब हम संचयी आवृत्ति का प्रतिशत निकालेंगे तो प्रत्येक श्रेणी के लिए x और y या जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं क्षेत्र आ और ब दोनों ही श्रेणी के लिए जो 1 सेंटीमीटर का मापदंड है वो 10% के बराबर माना जाएगा, और जो कुल मापदंड है यानी संचयी का जो कुल योग है वो 100 मानकर हम प्रतिशत की कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर जब हम संचयी आवृत्ति का प्रतिशत कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम 6 × 10/100 यानी 0.6, 31 × 10/100 3.1, 91 × 10/100 9.1, 175 × 10/100 17.5, और इस प्रकार से जब हम कैलकुलेट करते जाएंगे तो संचयी आवृत्ति का प्रतिशत हमें 28, 43, 60 और 100% जो है ये कैलकुलेट हम ज्ञात करते जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो क्षेत्र हैं, क्षेत्र आ और बा, तो सबसे पहले नेक्स्ट कॉलम में हम क्षेत्र आ के लिए कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पर हम प्रश्न के आधार पर कंपनियों की संख्या को अंकित करते जाएंगे, जो है 6, 11, 13, 14, 15, 17, 10 and 14। अब जब इसकी संचयी संख्या की कैलकुलेशन हम करेंगे तो हम देखते हैं कि 6 + 11 = 17, 17 + 13 = 30, 30 + 14 = 44, 44 + 15 = 59, 59 + 17 = 76, 76 + 10 = 86 और 86 + 14 = 100, ये हमको मिल जाएगा। इसके आधार पर हम बिल्कुल उसी तरह से संचयी आवृत्ति यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे, तो फिर हम यहाँ पर 6 × 10/100 करते जाएंगे तो ये हमें मिलता जाएगा 6, फिर 17 × 10/100 17, 30 × 10/100। अब क्योंकि क्षेत्र आ के लिए भी हमको संचयी आवृत्ति का प्रतिशत चाहिए और हमको यहाँ पर अंतिम संचयी योग को 100 मानकर श्रेणियों के मूल्य एवं आवृत्ति संचय मूल्य की प्रतिशत को परिवर्तित करना है, तो यहाँ पर हम कुल मूल्य को 100 मान लेंगे,
तो ये जो हमको प्रतिशत प्राप्त होगा वो होगा 6 का 100% यानी कि 6 और 17 का 100% यानी कि 17। इसी तरह से जब इसके 100% के कैलकुलेशन हम करेंगे तो ये 30, 44, 59, 76, 86 और 100 ये हमको ज्ञात होता जाएगा। ठीक इसी तरह y अक्ष के लिए भी हम कंपनियों की संख्या को यहाँ पर अंकित करेंगे नेक्स्ट कॉलम में, जो कि प्रश्न में दिया गया है 2, 38, 52, 26, 36, 26, 12 एंड 4। और जब हम इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 2, 38 + 2, 40, 40 + 52, 92, 92 + 26, 118, 118 + 36, 154, 154 + 26, 180, 180 + 12, 192 and 192 + 4 = 196, ये हमको ज्ञात होता जाएगा। अब जब हम इसके प्रतिशत मूल्य की कैलकुलेशन करेंगे तो हम यहाँ पर देखते हैं, अब अगले कॉलम में जब हम संचयी आवृत्ति का प्रतिशत निकालेंगे तो क्योंकि हमने देखा था कि अंतिम संचयी योग को 100 मानकर श्रेणी मूल्यों एवं आवृत्तियों के संचयी मूल्यों को प्रतिशत के रूप में परिवर्तित कर लिया जाता है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो अंतिम संचयी संख्या है वो 196 है, यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको राउंड फिगर में लेते हैं तो लगभग ये 200 के आसपास है। तो क्योंकि इसको हमको 100 मानकर चलना था तो इसे हम अगर आधा कर देते हैं, यानी अगर इसको 200 मान के आधा कर दे तो ये 100 के लगभग आ जाएगी। तो इस ये जो संचयी संख्या है इसको हम प्रतिशत में जब चेंज करेंगे तो इसको हम हाफ कर लेंगे, यानी कि सबको हम 2 से भाग देते जाएंगे। तो ये जो संचयी प्रतिशत होगा इस पूरी तालिका इस पूरे संचयी संख्या को जब हम 2-2 से भाग देते जाएंगे तो नेक्स्ट जो हमारा कॉलम बनेगा संचयी प्रतिशत का वो हो जाएगा 1, 20, 46, 59, 77, 90, 96 और 98। तो ये जो प्रतिशत संचयी की गणना के लिए हमारा टेबल बनकर तैयार हो गया है। अब इसके अकॉर्डिंग जब हम ग्राफ की रचना करेंगे तो क्योंकि हमने ग्राफ में देखा कि यहाँ पर हम कंपनियों की संख्या और लाभ प्रतिशत के आधार पर एक ग्राफ का निर्माण करेंगे, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रेखा ओ एक्स एक्सिस है वहां पर हम कंपनियों की और रेखा ओ वाई को लाभ प्रतिशत के लिए यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम दोनों ही क्षेत्र या दोनों ही कंपनी ए और बी, क्षेत्र अ और क्षेत्र ब के लिए यहाँ कर्व का जब हम निर्माण करेंगे तो सबसे पहले हम क्षेत्र अ के लिए देखते हैं और संचयी आवृत्ति का जो प्रतिशत है लाभ प्रतिशत उसके आधार पर हम यहाँ पर कर्व का निर्माण करेंगे। तो सबसे पहले जब हम क्षेत्र अ के लिए देखते हैं कि जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 0.6 है तो क्षेत्र अ का जो संचयी प्रतिशत है वो है 6.6 पे 6। जब लाभ का जो संचयी आवृत्ति प्रतिशत 3.1 होता है तो क्षेत्र अ का संचयी प्रतिशत 17। जब संचयी आवृत्ति प्रतिशत लाभ का 9.1 होता है तो संचयी प्रतिशत जो क्षेत्र अ का है वो 30, 17.5 होने पर 44, 28 होने पर 59, 43 होने पर 76, 60 होने पर 86 और जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 100 होता है तो क्षेत्र अ का भी संचयी आवृत्ति प्रतिशत 100 हो जाता है। तो इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम अ क्षेत्र का जो कर्व है वो हम निर्माण कर लेंगे। और दूसरी कंडीशन में जब हम क्षेत्र ब के लिए कर्व का निर्माण करेंगे तो हम देखेंगे कि जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 0.6 था तो क्षेत्र ब का संचयी प्रतिशत 1 था, जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 3.1 था तो क्षेत्र ब का संचयी प्रतिशत 20 था, जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 9.1 था तो क्षेत्र ब का जो संचयी प्रतिशत था वो 46 था। इसी तरह 17.5 होने पर 59, 28 होने पर 77, 43 होने पर 90, 60 होने पर 96 और जब लाभ का संचयी आवृत्ति प्रतिशत 100 था तो ब क्षेत्र का संचयी प्रतिशत 98 था। इस प्रकार इन बिंदुओं के आधार पर हम एक कर्व का निर्माण कर लेंगे क्षेत्र ब के लिए।
इस प्रकार हम देखते हैं कि अंकित किए गए बिंदुओं को जोड़ते हुए ये जो वक्र खींचा गया है, यही जो वक्र है वो लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र कहलाता है। तो आपने देखा कि किस प्रकार लॉरेंज वक्र के आधार पर भी हम स्टैंडर्ड डिविएशन को बिंदु रेखीय पद्धति के आधार पर वहां पर दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इस पूरे अध्याय में हमने देखा कि अपकिरण को मापने के लिए हम बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करते हैं, और सभी विधियाँ जो है अलग अलग श्रेणियों में कुछ न कुछ उनमें भिन्नता, कुछ न कुछ नयापन हमने देखा कि पाया गया है। बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे मेथड्स के आधार पर हमने इसकी कैलकुलेशन की। कुल मिलाकर हम जो हमारे केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का अगला स्टेप था, यानी कि हमने यहाँ पर ये देख लिया अपकिरण के द्वारा कि वास्तव में हम जो एवरेज निकालते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत, वो एक्चुअल में जो वास्तविक मूल्य है यहाँ पर, जो पद मूल्य है, उनसे कितने भिन्न है, कितनी उनसे औसत दूरी है, ये सारी चीज़ों को ज्ञात करना हमने यहाँ पे सीखा। तो अब हम अपने अगले चैप्टर में देखेंगे कि जब दो वेरिएबल्स के बारे में हम बात करते हैं, जब दो वेरिएबल्स को हम कंपेयर करते हैं, तो उनमें कोरिलेशन क्या मिलता है, किस तरह का रिलेशन रहता है, पॉजिटिव होता है या निगेटिव। तो हम अगले चैप्टर में अपने देखेंगे कि कोरिलेशन क्या है और किस किस तरह से इसकी गणना की जाती है।